नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर के अब तक की हर छोटी बड़ी खबर पर। उपराज्यपाल ने पूरन कृष्ण भट्ट की पत्नी को सौंपा नियुक्ति पत्र। शहीद पूरन कृष्ण भट्ट की शोपिया में आतंकियों ने की थी हत्या। बड़गाम में अचानक हुई मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकियों की पहचान अरबाज मीर और शाहिद शेख निवासी पुलवामा के रूप में हुई। जम्मू कश्मीर हुआ पूरी तरह से डिजिटल। प्रदेश सरकार ने ऑफलाइन सेवाओं को किया बंद। जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने को कहा। इसके साथ ही बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में भी शामिल होने पर दिया गया बल। राजौरी आतंकी हमले में मिले हैं हमें अहम सुराग। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा जल्द इस मामले को सुलझाने में मिलेगी सफलता। किश्तवाड़ के नवापची क्षेत्र में सेना द्वारा पेट्रोलिंग जारी। भारी बर्फबारी के बाद भी सुरक्षा बल बेहद चौकन्ने। जम्मू श्रीनगर हाईवे आज दोनों तरफ से रहा खुला। बड़े वाहन आज श्रीनगर से जम्मू की ओर आए। जम्मू कश्मीर में 22 से 24 जनवरी को बारिश बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग ने 18 जनवरी तक शुष्क मौसम बने रहने की भविष्यवाणी। जम्मू में रह रहे खेल एम्प्लॉयज का 29 दिन से प्रदर्शन जारी। नियमित करने के साथ प्रोविंशियल पीरियड कम करने की कर रहे मांग। बिश्नाह के सिकंदरपुर और लसवाड़ा गांव में दो युवकों के संदिग्ध परिस्थितियों में मिले शव। पुलिस ने मौके पर आकर दोनों जगहों से शव लिए कब्जे में। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन कर रहे एनवाईसी कर्मियों से की मुलाकात। इन नेताओं ने इनकी समस्याओं को ठहराया पूरी तरह से जायज। सरपंच एसोसिएशन गांदरबल ने सरकार के फैसले का जताया विरोध। कहा फंड्स फ्रीज करना गलत फैसला, इसे जल्द लिया जाए वापस। बुंजवा के निवासियों ने एनएमएमएस अटेंडेंस सिस्टम व भूमि अधिग्रहण मामले के विरुद्ध किया प्रदर्शन। कहा सरकार ये फैसले जल्द ले वापस। बांदीपुरा के गुंज जहांगीर गांव में ट्यूबवेल से निकल रही आग। लोगों ने कहा कई बार प्रशासन को करवाया गया अवगत लेकिन नहीं हुआ समाधान। श्रीनगर में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने किया प्रदर्शन। कहा भूमि अधिग्रहण मामला लोगों के हित में नहीं। बांदीपुरा प्रशासन ने 3 दिनों में 150 कनाल भूमि से हटाए अवैध कब्जे। तहसीलदार अलूसा जावेद अहमद पिंटो ने कहा भविष्य में भी कार्रवाई रहेगी जारी। स्टेट लैंड को लेकर मंडी के लोगों का प्रशासन पर फूटा गुस्सा। कहा अगर फैसला नहीं लिया वापस तो करेंगे उग्र प्रदर्शन। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट द्वारा वेयरहाउस जम्मू में आई चेकअप कैंप आयोजित। डीसी जम्मू अवनी लवासा ने चालकों से नियमों का खास ख्याल रखने की अपील। पूर्व एमएलसी निजामुद्दीन खटाना कांग्रेस में पुनः वापसी का बना रहे मन। कांग्रेस में उनके साथ उनका बेटा गुलजार खटाना भी जाएगा। एआरटीओ सांबा ने 24 बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट किए रद्द। एसएलडी से छेड़छाड़ करने पर की गई कार्रवाई। व्यापार मंडल बनिहाल के हुए चुनाव। परवेज हमीद शेख व्यापार मंडल के बने नए अध्यक्ष। बिजली की अघोषित कटौती को लेकर जानीपुर के दुकानदारों ने किया प्रदर्शन। कहा स्मार्ट मीटर लगाने के बजाय पीडीडी लोगों को बिजली कट से दिलाए निजात। डिप्टी मेयर जम्मू बलदेव सिंह बिलोरिया ने 5 खिलाड़ियों को किया सम्मानित। इन खिलाड़ियों ने इंदौर में हुई 25वीं सीनियर नेशनल डेफ जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते। राजौरी के लोगों ने स्टेट लैंड से संबंधित सरकारी आदेश का किया विरोध। ऑर्डर वापस न लिए जाने पर दी उग्र प्रदर्शन की चेतावनी।
तंगधार में बर्फबारी के कारण मरीज को स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा अस्पताल। स्थानीय लोगों ने SDM व तहसीलदार से सड़कों पर से बर्फ हटाने की अपील। मंडी में 25 RR द्वारा फर्स्ट एड कैंप किया गया आयोजित। स्थानीय लोगों ने सेना का जताया आभार। नौनाथ घगवाल में सप्ताह सड़क सुरक्षा कार्यक्रम हुआ संपन्न। कार्यक्रम में DC सांबा और ARTO सांबा भी रहे उपस्थित। किश्तवाड़ के मारवा में एक रिहायशी घर में लगी आग। पुलिस, स्थानीय लोगों व अग्निशमन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पुलिस ने विजयपुर नेशनल हाईवे राया मोड़ से 2 नशा तस्कर किए गिरफ्तार। इनसे 22 ग्राम चिट्टा और 25,000 नकदी की बरामद। SMVD ने मनाया वर्ल्ड लॉजिक डे। ऑन क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिक विषय पर किए गए विचार व्यक्त। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। Dhoon International School Jammu, an institution par excellence which does not mark its existence through its impressive and modern infrastructure, rather it dwells inside the heart and soul of its DIS men. Admissions open from pre-nursery to class 12. Dhoon International School, Chowadi near Sani Colony, Jammu.